काय रे, मेरी लाइफ को किसकी बददुआ लगी? एक से एक डिफेक्टिव पीस की शादी हो रही है, बस मैं ही अटक गया। क्या कमी है मेरे में? अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी होती तो आप अक्षय कुमार लगते। थोड़े गोरे होते तो तुषार कपूर लगते। सर पे ढंग के बाल होते तो ऋतिक भी फेल था। और मूंछ होती तो रणवीर सिंह। हाँ। अरे इतनी सारी कमी है मेरे अंदर? भाई हा? मेरी शादी हो रही है, फैमिली के साथ आना। ये मेरा स्वयंवर नहीं रच रहा है, मेरे चक्कों में चाट मसाला रगड़ने आ गया। तेरे स्वागत छोड़ भाई, छोड़ भाई। वहाँ देखो पुलिस के भेष में यमराज आ रहा है। छोटू शादी का लड्डू खाया? आधा खाया, आधा खाया, आधा मेरे लिए छोड़ दिया। यानी एंगेजमेंट हो गई तो आधी शादी हो गई ना, तो फुल शादी कभी होगी? फुल शादी होगी ना फुल मून के दिन। ये लीजिए ना सर इनविटेशन कार्ड। ये क्या है राजा? तुम्हारा नाम तो छोटू है ना, इधर तो किसी सोमा राजू का नाम लिखा है। छोटू उर्फ सोमा राजू। छोटू उर्फ सोमा राजू, मुबारक हो। थैंक यू। शादी इसी 26 को है ना? मैं जरूर आऊंगा दोनों को आशीर्वाद देने। ओम दूधो नाव पुतो फलो, एक साल में 4 बच्चे पैदा करो। लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो एक ऊपर एक बीच में और एक छोटू को 3 गोली मारूंगा। चलेगा? दगा नहीं देगा ना? झूठ तो नहीं बोल रहा है? मेरा नाम याद है। हाय सर, नायक। कौन सा नायक? हेलो नायक नहीं सर, एनकाउंटर नायक। हनीमून में स्टैच्यू देख के आना। देखा जी भाई, कैसा उसको चूना लगाया? वो सब तो ठीक है, लेकिन 26 तारीख को मैरिज हॉल नहीं शमशान बुक करना पड़ेगा। शुभ शुभ बोल, वो 26 को पक्का आएगा। तो मानिक से बोलना पड़ेगा मेरे को स्पेशल 26 ढूंढ के दिए। मेरी अर्धांगनी कहाँ है बे? लाली पाउडर पोत रही है रे, थोड़ा इंतजार कर ले बावरे। नहीं होता सब्र मुझसे। मेरा एक एक मिनट बिल गेट्स जितना कीमती है। लड़की दिखाओ। तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो क्या? सॉफ्टवेयर कंपनी तो हार्डवेयर कंपनी भंगार। ये क्या बोल रहा भाई? डब्बा बाटली प्लास्टिक भंगार वाले। बियर की खाली बोतल का 50 पैसा और भरी का 1 रुपया। रद्दी वाले। भंगार के ख्यालों से बाहर निकल और हुरपरी के ख्यालों में घुस। मैंने भंगार में पीएचडी किया ना, तो मेरी रग रग में भंगार है। सूट से तो आईएएस ऑफिसर लग रहा है। जल्दी से लड़की को लेकर आ, बच्चन के घर से रद्दी उठानी है। माणिक भाई, ये छोरी तो सर से पांव तक हुस्न का गुलाब जामु है। कंट्रोल माणिक, सुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इसने कोई फालतू का सवाल पूछा ना मुझसे तो लात मार के भगा दूंगी। अरे टेंशन मत ले, 2 कान है ना तेरे पास, एक से सुन और दूसरे से निकाल। ए, क्या चुहा मीटिंग है? आपको देख के इसके मन में सुरसुरी छूट रही है। इसकी पार्क की नजर धंधे में काम आएगी। बैठो ना, दादी भंगार की नहीं है, मजबूत है। नाम क्या है? हंसती है, दांत घसती है, चमक भी रहे है मेरे थोपड़े की तरह। मधु मक्खियों की रानी। इसका नाम क्या है बताइए ना जी? मधु, मधु है मतलब शहद। क्या आपको गाना गाना आता है हनी? ये बताएंगे ना जी। हाँ, कोयल की तरह कूकती है, मोरनी की तरह नाचती है, हिरनी की तरह चलती है, बंदरिया की तरह इधर उधर फुदकती है, बिच्छू की तरह डंक मारती है। एक फिल्मी गाना प्रस्तुत करो। ये गाएंगे ना जी? बेसुरे का सुर लग रहा है। शादी के बाद इसे भी साथ लेके जाना पड़ेगा, एक के साथ एक फ्री। ओ भाई तू गाना गा दे, मैं सोचूंगा कि इसने गा दिया। चलिए ठीक है, बैठो। सारे अब तू भी घोड़ी चढ़ेगा, तेरी बारात निकलेगी, तेरी गोद भरेगी कबाड़ी, माँ दादी बाप दादा बनेगा, झाड़ू पोछा करेगा, बीवी राज करेगी, बच्चे को नहलाएगा, डायपर उसका बदलेगा, साले का तू चमचा बनेगा, जमोरा तू बीवी का बनेगा, जोरू का गुलाम तू बनेगा, जोरू का गुलाम तू बनेगा। मेरा कर दिया। आपको पकाना आता है? लज्जा आ रही है। ये है ना, घबरा मत, जवाब रेडी है। बहुत अच्छा पकाती है। अभी इसके हाथ की स्वर्गीय खिचड़ी खाके देखो भाई साहब, डायरेक्ट स्वर्ग की टिकट कटेगी। ठीक है, वैसे इसकी हाइट वेट? हाँ, मैंने अपनी नजरों से नापा। हाइट 5'6", वजन फूल के जितना, और इसका फिगर है 36'24'36'। निर्लज्ज, इसके पहले 0 2 लगाना। अबे ये क्या? मोबाइल नंबर नहीं, लैंडलाइन है।
ऐसी कौन सी गुप्त जगह है जिसका कोड नंबर 36 से शुरू होता है? जो सवाल पूछो बोल के इनसे पूछो, इनसे पूछो। और ये भाई भी इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देता है मानो इसको इसका पूरा इन एंड आउट मालूम है। इससे एक बात तो क्लियर होती है, तुम दोनों के बीच में। अरे भाई जी, ये अनटच पीस है। अरे टेंशन नहीं है, कांटे पे चढ़ाऊं क्या? तेरी तो खड़ा, चल खड़ा। मधु धंधा खराब, तू चुप रह। हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ऐसा ही से लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सही बोला। किधर है चप्पल? अरे नहीं, नहीं मैं चप्पल नहीं खरीदता, मोची नहीं हूँ, भंगार वाला हूँ। मेरा भी उसूल है, मैं जबरदस्ती किसी का माल नहीं लेता हूँ। मैं तो भंगारवाड़ी में लड़की ढूंढ लूंगा। उधर भी सेटिंग है। चलता हूँ भाई। डब्बा बाटली प्लास्टिक भंगार। अरे दूसरी दिखाऊं क्या? रे मुश्किल से एक छोरा मिला था, उसको भी भगा दिया। मुझे तेरी मूंछों पे लटकना है। भूल जा मन्ने, मैं अपने गले में तेरे नाम की घंटी बांधूंगी। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती हमारी पीपुड़ी नहीं बजेगी। जब तक हमारी शादी नहीं होती तेरी छाती पर मूंग दलूंगी, सीना छलनी हो जाएगा। हाँ। कसम है मरे बाप री, अर्थी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा। इसको उंगली पकड़ाई तो सर पे बैठ रही है। शादी को हुए बस पूरा एक ही दिन हुआ है, अगर अभी तलाक के लिए अप्लाई किया तो जज मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देगा। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। आप तो एक पढ़े लिखे वकील है ना, मुझे बस उसे डिवोर्स दिलवा दो। तुम्हारे केस में तो बारीकी से काम करना पड़ेगा, रात को 10 बजे पेपर लेके आओगी ना? कोशिश करूंगी। अब चलती हूँ। अच्छा अच्छा, संभल के जाना। तू तो कह रहा था कि तलाक रोक लेगा मगर ये तो तलाक की जिद लेके जा रही है। ये चिट्ठी उसको दे दे, तलाक अपने आप हो जाएगा। मैडम, वकील साहब ने ये चिट्ठी आपके लिए दी है। अभी तो मैं उनसे मिल के आई। यही स्टाइल है। देखो तलाक तो मैं दिलवा दूंगा लेकिन तलाक के बाद तुम अपनी जिंदगी का अकेलापन दूर कैसे करोगी? उस अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे अपना हाथ दे दो। तेरी बेटी की उम्र क्यों शर्म नहीं आती तुझे? तुम सबके सब हवस के पुजारी होते हो। अकेली और लाचार लड़की को देखकर लाइन लगाना शुरू कर दोगे? अपने ठरकीपन से बाज आ जाओ नहीं तो सरिया घुसा दूंगी, याद रखना। ची 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 ची, इतने बड़े लॉयर ने मामूली छोरी के हाथ से चाटा खाया? मीटू का चक्कर तो नहीं था ना, तो गालों पे लाली क्यों है? क्या लाफा मारा था, तालियां बजाने को मन कर रहा है। बहुत मारा। ए, चुप कर। उसने बस एक ही चांटा तो मारा। मानिक मैं तेरे सारे केस लड़ूंगा, इसके बारे में किसी को मत बताना, इनको भी बोल दे। लड़की का एक चांटा और आतंकवादी की 10 गोली बराबर है। बात तो सही है। अगर थप्पड़ का जवाब नहीं दिया ना तो कल आके फिर ठोकेगी, तभी क्या करेगा तू? खाते रहे मार। सही बोला मानिक, तेरी बात से मेरे को एक आइडिया आया। उसको मैं केस में ना ऐसा फंसाऊंगा कि उसके घर के सारे कपड़े लत्ते गहने बिक जाएंगे। छोड़ना मत उसको, ये जोश कायम रखना, चाहिए तो शिराजीत खा लेना, अश्वगंधा भी चलेगा। क्या चाल चली है, अब तो तलाक हो ही नहीं सकता। अरे मानिक नाम है मेरा। देखा तुमने, ये सब मानिक की चाल है, ये जलता है ना हमारे प्यार से इसीलिए ये सब कर रहा है। पर तुम घबराओ मत, मेरा दोस्त वकील है, संभाल लेगा। कितने दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बैठते तो ऑफिस में हो लेकिन दिमाग कहीं और होता है। मेरे अलावा भी कहीं और दिल लगा लिया क्या? इस ऑपरेशन के लिए हमें अमेरिका से डॉक्टर बुलाना होगा, उसमें काफी खर्चा हो सकता है। आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं खुद बिक जाऊंगा लेकिन अपनी बहन को दुखी नहीं होने दूंगा। भाई भाई भाई, वो हाफ टिकट आ गया है। और वो बवा सिंह? हाँ, वो मारने को आया है। अरे भाई गिरी में मैं उसका बाप हूँ, वो सिंह लेके पैदा नहीं हुआ है। भाई वो आ रहा है। अरे आने दे उसको। क्या हुआ, मेरे से डर लग रहा है? डरता हूँ आपके प्यार से छोटू भाई। अरे रे रे रे, क्या प्रॉब्लम है, जस्ट टेल मी। पैसे री प्रॉब्लम है। वो हम आया। कितना चाहिए भाया? 40 पेटी। समझ ले, बैंक तेरे को लोन देने खुद आया है। कैशियर नजर मत लगा, सारा तेरा इश्क तो है, सूटकेस वापस कर दिया ना। थैंक्स भाई जी, इसको मेरे तकिए के नीचे दबा दे। भाई जी क्या किया, खरीद लिया आपने मेरे को, एक हफ्ते के लिए गुलाम बन जाऊंगा आपका। अब बोलो तो। उन्हें जबान दी है, जबान उल्टी मत घुमाना। आई लव यू ब्रदर, आई लव यू टू।
अरे आजकल टीवी सीरियल बहुत देख रहे हो क्या? हाँ कसम से बच्चा है यार, क्या चल रहा है मन में, क्या चल रहा है? एक ब्यूटी से लव हो गए। लवेरिया? लवेरिया क्यों, मेरे को नहीं हो सकता? हर कुत्ते के दिन आते हैं, आपके भी आ गए। कौन सी ब्रीड है, मतलब कौन सी लड़की है, मैं पटाता हूँ ना उसको आपके लिए। चॉइस क्या है, खतरनाक। वो नहीं मिली ना तो दो चुटकी सिंदूर की डिब्बी में कूद के जान दे दूंगा मैं, कंधे पे लटक जाऊंगा। अरे मरे आपके दुश्मन, इतने फीस काय को लिए? आप आवाज करो, कोई भी हूर परी हो आपके कदमों में डाल दूंगा। सच्ची मुच्ची? अंबानी से भारी शादी होगी, प्रॉमिस, एकदम पक्का। आई शपथ, आपकी कसम। बाल्टी मत मारना, हर एक बदलेगी मैं नहीं। देखो कैसे ब्लाउज में हाथ डाल के निकाल रहे। भरोसा नहीं है भाई जी, कमाल करते हो आप भी। थैंक्स, मेरी जान सौंप के जा रहा हूँ तेरे को, फोटो को कुछ करना नहीं है। चला रे, दादा लगी, दादा लगी। इंसान हो ना, ये इंसान के भेष में भेड़िया हो। पैसों के लिए तुमने दीन धर्म सब कुछ बेच दिया, किसी दिन इन पैसों के लिए मुझे भी बेच दोगे। मरने के बाद पैसे ऊपर लेकर जाओगे क्या? मैंने ये सोचकर तुमसे प्यार किया कि तुम्हारे लिए अपनी फैमिली ही सब कुछ है, लेकिन आज पता चला कि जरूरत पड़ने पर तुम अपनी फैमिली को भी किसी मारवाड़ी के पास गिरवी रख सकते हो। अपनी बहन की शादी किसी गुंडे से करोगे, ये है तुम्हारा असली रूप। छी, अब तो घिन आने लगी है तुमसे। तुझे क्या मैं इतना लालची दिखता हूँ जो अपनी बहन को बर्बाद करूंगा? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ अपने परिवार से, मर भी सकता हूँ उनके लिए,